रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर, आप पहले इधर देख लो, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का अच्छा मतलब क्या बेटा, कि अगर ये मेरा क्या है, मिरर है, अगर ये मेरा क्या है, मेरे बाल बनाना बिल्कुल पसंद है, ठीक है, ये मेरा मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी, ऐसे आएगी ना, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो लाइट आई कैसे, ऐसे, और गई कैसे, पैरेलल, ठीक है। रूल नंबर फोर सेज क्या, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द पोल ऑफ द मिरर, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द पोल ऑफ द मिरर, अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ पे गिर रही है, मिरर के पोल पे गिर रही है, इट वुड फॉलो, इट वुड फॉलो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इट वुड फॉलो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका डायग्राम बेटा ऊपर की तरफ बना रही हूँ, ध्यान से देखना किस तरीके से होगा। अगर ये मेरा मिरर है, ठीक है, तो ये लेट्स से इसका क्या है, फोकस है, ये क्या है इसका, पोल। पोल अब कोई रे ऑफ लाइट अगर पोल पर आकर गिरेगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर आके गिरेगी इस तरीके से, तो लेट्स से अगर इसका 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट भी कितने पे होगा, यहाँ पर 30 डिग्री पर होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फॉर्मेशन देखेंगे जो हम लोग कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को 6 अलग अलग पोजीशंस पे रखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को 6 अलग अलग पोजीशंस पर रखेंगे, ठीक है ना। कौन सी होगी वो 6 अलग अलग पोजीशन बेटा, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो क्या हो, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ होगा तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट को बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग एट फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, और अगर ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। क्या होगा मैं तुमको पहले से ही बता रही हूँ, क्यों, ताकि अब जब हम लोग डायग्राम्स बनाए तो तुम ये सारी चीजें क्या कर पाओ, बहुत आराम से वैलिडेट कर पाओ। वैलिडेट मतलब क्या, हम लोग डायग्राम बना के देखेंगे कि जो हम लोग बोल रहे हैं वो सच में ऐसा कि ऐसा होता है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, फोकस पे, इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस। अच्छा, तो इस हिसाब से जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनेगी एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज बनेगी कहाँ पर, बिटवीन सी एंड एफ, कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। तो जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट को एट सी रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी, एट सी, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस रखेंगे तो एक स्पेशल केस निकल कर आता है बेटा, बिहाइंड द मिरर बनती है इमेज, कहाँ बनती है, बिहाइंड द
मिरर। ठीक है, अभी पिक्चर बाकी है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा और इमेज फोकस पे बनेगी तो इमेज कैसी होगी? हाईली डिमिनिश्ड। क्या होगी? हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी सी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखेंगे और इमेज बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो इमेज जो होगी वो लेस डिमिनिश्ड होगी, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से क्या होगी? छोटी ही। यहाँ पे बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हाँ, सी इज सेंटर ऑफ द पेज। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड जब ऑब्जेक्ट को हम लोग एट सी रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बन जाएगी? एट सी। और साइज क्या रहेगा इमेज का? सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट का साइज क्या, इमेज का साइज क्या रहेगा? सेम साइज रहेगा। क्या रहेगा? सेम। पता कैसी हरकतें होंगी? सेम साइज। जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे और इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, अब इमेज का साइज क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी कि एनलार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट एट फोकस पे और इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तो जो इमेज बनेगी वो हाईली एनलार्ज बनेगी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन पी एंड एफ रखेंगे और इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी तो एनलार्ज्ड एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। क्या बनेगी? एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, अब हम लोग को क्या देखना है? ये हम लोगों ने क्या देखा? साइज देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे? लास्ट चीज देखेंगे नेचर। ठीक है, सारे केसेस में बेटा जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल एंड इनवर्टेड। कैसी बनेगी? रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, सभी में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, एक्सेप्ट फॉर द सिक्स्थ केस। एक्सेप्ट फॉर द सिक्स्थ केस। सिक्स्थ केस में जो हमारी इमेज बनेगी, सिक्स्थ केस दैट इज लास्ट केस में जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये सिक्स्थ केस ही बेटा एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ओके दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब 2 मिनट लो, पहले ये टेबल कॉपी कर लो, फिर मैं तुम लोग को डायग्राम सिखाती हूँ। चीज याद रखना बेटा, क्या बोला? पोल, पोल से 2 सेंटीमीटर पे फोकस और उससे 2 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल, पोल के 2 सेंटीमीटर पे फोकस और उसके 2 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऐसे स्केल से मार्क कर डायग्राम बनाए बेटा कभी गलती नहीं होगी, कभी भी नहीं। अनलेस आपने ये गंदा सा, ऐसा जो मेरा मेरा वही वाला है ना, अगर तुमने ऐसा गंदा मिरर बनाया है तो देर इज अ चांस कि तुम्हारा इमेज ठीक नहीं आएगा। अदरवाइज हमेशा तुम्हारा इमेज क्या आएगा? करेक्ट पोजिशन पे ही आएगा। तो मेजर करके बनाना है। बनाना चाहिए मेजर करके, क्योंकि तुम तुक्के भी बनाते हो ना तो बहुत बार इमेज सही नहीं आती, फिर तो बच्चा खुद ही नर्वस हो जाता है मैंने कहाँ गलती कर दी। और मेजर करके बनाओगे तो हमेशा जैसा अपन ने टेबल दिया ना उसके अकॉर्डिंग ही हमारे रिजल्ट आएंगे। अब जब हम लोगों ने बोला कि हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? इन्फिनिटी। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं? इन्फिनिटी पे, तो रेज हमेशा क्या आती है? पैरेलल आती है। रेज हमेशा कैसे आती है? पैरेलल। ठीक है, तो ये दो पैरेलल रेज आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हुई? फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हुई? फोकस। ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हुई? फोकस। तो इमेज फोकस। कहाँ बनी है? फोकस। इमेज कहाँ बनती है? जहाँ दो रेज मिलती है, जिस पॉइंट पे दो रेज इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पे दो रेज इंटरसेक्ट करेगी वहां पर हमेशा क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ओके, आराम देखना बेटा। अब हम लोगों ने पहले ऑब्जेक्ट का रखा इंफिनिटी पे,
अब हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे सी के पीछे, कहाँ रखेंगे सी के पीछे, और उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोल रहे हैं, बियॉन्ड सी। उसको इंग्लिश में हम लोगों ने क्या बोला, बियॉन्ड सी, ठीक है। तो ऐसे में एक रे कैसी जाएगी, पैरेलल, एक रे कैसी जाएगी पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस। अब दूसरी रे, दूसरी रे हमारी श्रद्धा इच्छा भक्ति, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो उसको क्या करो फोकस से पास करो और आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा ले आओ, पैरेलल। फोकस से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी आएगी, पैरेलल, ठीक है ना। और ये दोनों रेज देखो मुझे यहाँ मिलती हुई दिख रही, ये दोनों रेज मुझे यहाँ इस पॉइंट पे मिलती हुई देखा, तो क्या हम हमारी इमेज सी और एफ के बीच में आई, हाँ। क्या मैं बनानी भी सी और एफ के बीच में थी, हाँ। फोकस से सुनो, एक रे कैसी गई बेटा, देखो पहली रे गई पैरेलल, वापस किससे आई, फोकस, वापस किससे आई, फोकस से। दूसरे गई कहां से, फोकस से, वापस कैसे आई, पैरेलल, हाँ। जो मीट हो रही है वो रिफ्लेक्टेड रेज मीट होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या इतना सबको क्लियर है कि तुम्हें उसको कैसे लेना है। ये बेटा दोनों डायग्राम्स कौन से केस के हैं, सेकंड केस के। पहले में हम लोगों ने जो सेकंड रे है उसको कहाँ से पास करा है, फोकस, और वापसी में कैसे लेकर आए उसका रिफ्लेक्शन के बाद, पैरेलल। और दूसरे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज रहे हैं, तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, यानी कि वो जैसी आई थी वो वैसी की वैसी वापस चली जाएगी। तो तुम्हारा कॉल है एट द एंड ऑफ द डे कि तुम क्या करना चाह रहे हो, जो इजी लगे, मैं क्या बोल रही हूँ, जो इजी लगे वो मेथड फॉलो करना। इज इट क्लियर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट सी। थर्ड केस में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट सी। हमेशा याद रखना एट सी की इमेज एट सी पर ही बनती है, एट सी की इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, एट सी। सो दिस इज माई ऑब्जेक्ट, जिसको इच्छा हो रही हो हाथों हाथ इमेज बनाकर छुट्टी करना, यही बनेगी। और यहाँ नहीं बन रही मतलब तुमने कुछ गलती कर दी, ठीक है। तो एट सी की इमेज हमेशा कहाँ बनती है, एट सी पे। पहली रे कैसी जाएगी बेटा, पैरेलल, पहली रे कैसी जाएगी, पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पास होगी, फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस, ठीक है ना। दूसरी रे आपकी इच्छा है, जैसे हमारे वंश को इजी लगा कि आप पैरेलल से भेजो, कहाँ से, फोकस से। और आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी ले आओ उसको, पैरेलल। आ रही बात समझ में, इस पॉइंट को लेबल कर दो, बढ़िया, क्या, फोकस, ठीक है। तो यहाँ पर एट सी जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी कहाँ बनी, एट सी पर, कैसी बनी, सेम साइज की बनी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या अगले डायग्राम पे जा सकते हैं कि रुकना है, कहाँ रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। जब हम लोग सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पहली रे तो कैसे जाएगी, पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस। दूसरी रे कहाँ से जाएगी, फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल। आई बात समझ में। तो जब आप ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखोगे, जब आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बनती है, हमेशा बियॉन्ड सी। हमेशा दोनों कहाँ बनती है, इमेज बियॉन्ड सी। तो कभी डायग्राम नहीं बने तो सी इधर बना, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे। देखो ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा सा छोटा है, इमेज थोड़ी सी बड़ी बनी, ओके। नेक्स्ट, अब बिटवीन सी एंड एफ रख दिया, अब ऑब्जेक्ट को लास्ट केस क्या लेंगे, एट एफ। कहाँ लेंगे, एट, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को एट एफ लेंगे, ठीक है। तो अगेन एक रे कैसी भेज देंगे, पैरेलल। और ये जो पैरेलल वाली रे है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस। अब बेटा दूसरी रे आपका कॉल है, आप चाहो तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाओ, या फिर आप क्या करो, इस रे को बोलो भैया तू पोल पे गिर, काहे पे गिर, ये रे कहाँ पर गिरी, पोल पे। इसका कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, उतना ही क्या बनेगा, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये इधर आ जाएगी,
ये मीट करेगी कहाँ? इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे। ये मीट करेगी कहाँ? मीट करेगी इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे। यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट फोकस पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। और इमेज कैसी होगी? ऑब्जेक्ट से बड़ी। जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट तो इतना सही है, और यहाँ जो इमेज जा रही है